पुनर्जन्म क्या है और पुनर्जन्म कैसे होता है, ये सवाल आपके दिमाग में कभी ना कभी तो आया ही होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुनर्जन्म सच है या झूठ। आपने कहानी और किस्सों में तो सुना ही होगा कि एक आदमी ने नया जन्म लिया, लेकिन उसे अपने पिछले जन्म की याद सताती है। उसे ये पूरी तरह याद होता है कि वो उसके पिछले जन्म में क्या था, क्या करता था और उसके साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन क्या ये पुनर्जन्म वाली बात सच है? इस वीडियो में मैं पुनर्जन्मों को पूरी तरह से एक्सपोज करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा और एंड तक जरूर देखें। हमारा ये शरीर पंच तत्वों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती। जब इंसान मरता है तो उसका पूरा शरीर नष्ट हो जाता है, मतलब कि आकाश तत्व आकाश में लीन हो जाता है, वायु तत्व वायु में समा जाता है और अग्नि तत्व अग्नि में जल जाता है और धरती तत्व यानी कि राख वो धरती में समा जाती है। इन सब के बाद एक चीज बचती है और वो है आत्मा। हम सब जानते हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा ना ही मरती है और ना ही उसे कोई मार सकता है। तो सवाल ये है कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? हिंदू धर्म और श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा कहा जाता है कि कई बार आत्मा को वक्त से पहले ऊपर बुला लिया जाता है, लेकिन जब वहाँ उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब होता है तो पता चलता है कि इस आत्मा को अभी कुछ कर्म भोगने के बाकी है। इसीलिए आत्मा को वापिस धरती पर भेजा जाता है, लेकिन अकेली आत्मा धरती पर आएगी तो वो भटकती रहेगी, इसीलिए उस आत्मा को एक शरीर दिया जाता है। अब इस आत्मा को धरती पर अपने अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब करना होता है, इसीलिए आत्मा की यादें मिटाई नहीं जाती ताकि वो अपने कर्मों का हिसाब किताब अच्छे से कर सके। और यही वो यादें होती है जो इंसान को उसके पिछले जन्म के बारे में बताती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अगर इंसान की अकाल मृत्यु हो जाए और उस इंसान में कोई इच्छाएं छुपी हो तो उसे इस धरती पर फिर से पैदा होना होगा और अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना होगा, और यही है पुनर्जन्म। लेकिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि मौत के बाद इंसान को इंसान के रूप में जन्म मिलता है। वो अपने अगले जन्म में कुछ भी बन सकता है, जैसे कि कोई जानवर या कोई पक्षी या फिर कोई जीव। वैसे तो मनुष्य की इच्छाएं ऐसी होती है कि उसको इंसान के रूप में ही जन्म लेना पड़ता है, लेकिन कई बार वो जानवर और कई और योनियों में भी जन्म लेता है। वैसे तो कहा जाता है कि हमारा पुनर्जन्म हमारे ही हाथ में होता है। जैसे कि मैंने आगे बताया, हमारी इच्छाएं मतलब कि जिस चीज का हमारे मन में मोह होगा, जिस चीज की हमारे मन में चाहत होगी उसी के हिसाब से और हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को मिलाकर हमें पुनर्जन्म मिलता है। पहले के जमाने में एक राजा हुआ करते थे, राजा भारत। वो राजा एक हिरण के बच्चे के मुंह में फंस गए और इतना ज्यादा फंसे थे कि वो अपने आखिरी वक्त में भी उस हिरण के बच्चे के ख्यालों में खोए रहते थे। इसका अंजाम ये हुआ कि वो अपने पुनर्जन्म में हिरण के रूप में पैदा हुए। इसीलिए जो लोग कुत्ते के बारे में सोचते हैं वो अगले जन्म में कुत्ते बन सकते हैं, और जो लोग बिल्ली के बारे में सोचते हैं वो बिल्लियां बन सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि पुनर्जन्म पूरा आपकी इच्छाओं पर डिपेंड करता है। अब सवाल ये है कि क्या पुनर्जन्म एक ही बार होता है या बार बार होता है? कहा जाता है कि मानव जीवन में आत्मा को 7 शरीर में से गुजरना पड़ता है, इसीलिए कहते हैं कि हम 7 जन्म साथ रहेंगे। इन 7 जन्म में शरीर नया होता है लेकिन आत्मा एक ही होती है। एक ही आत्मा 7 जन्म के चक्र को पूरा करती है और 7 जन्म के चक्र के बाद आत्मा को जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दिया जाता है, जिसे मुक्ति कहते हैं। भले ही आत्मा एक शरीर को तुरंत छोड़ दे, लेकिन वो तुरंत ही दूसरा शरीर नहीं पा सकती, क्योंकि उसे अपने अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से शरीर को खोजना होता है, और खोजते खोजते सालों भी लग सकते हैं, तब जाकर उसे अपने लायक एक शरीर मिलता है। अब बात कर लेते हैं सच्चाई की, तो पुनर्जन्म सच है इस बात पर कई घटनाएं सामने आई है। उसी में से एक घटना है मुजफ्फरनगर में रहने वाले एक छोटे से बच्चे की।
छोटी सी उम्र में ही इस बच्चे के सामने एक बड़ी दुविधा आ गई। वो जब 9 साल का था तब उसे अपना पिछला जन्म याद आने लगा। इस बच्चे का नाम वीर सिंह था। जब ये बच्चा अपने पिछले जन्म की कहानी अपने माता पिता को सुनाता था तब उसके माता पिता बच्चा समझकर मजाक में ले लेते थे। लेकिन एक दिन इस बच्चे ने अपने पुराने जन्म का पूरा गांव, गली और घर का नंबर तक अपने माता पिता को बता दिया। और यही नहीं, पिछले जन्म में उसके पिता लक्ष्मीचंद का नाम भी बताया। ये सब सुनने के बाद बच्चे के माँ बाप उससे उस गांव में उसके पुराने जन्म वाले घर में ले गए। तो वहाँ वो बच्चा लक्ष्मीचंद से मिलकर रोने लगा। फिर कुछ देर बाद बच्चे को बिठा कर उसके पिछले जन्म के बारे में कुछ सवाल पूछे गए, जिसका जवाब उसने 100% सही दिया। शुरुआत में वैज्ञानिक पुनर्जन्म को अंधविश्वास में मानता था, लेकिन ठीक ऐसी घटनाएं विदेशों में भी हुई। तब मजबूरन वैज्ञानिकों को इस पर रिसर्च करनी पड़ी और इस रिसर्च से ये साबित हो गया कि हाँ, पुनर्जन्म सच है। लेकिन ये क्यों और कैसे होता है, इसका जवाब वैज्ञानिकों के पास नहीं है। इसकी सच्चाई आपको सिर्फ हिंदू धर्म के शास्त्र में ही मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप पुनर्जन्म में मानते हो या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।